ये तीनों कानून भारत के किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे और इन बिलों के माध्यम से किसानों को एक नहीं तीन तीन चार विकल्प मिलेंगे। किसान चाहे तो अपना माल मंडी के अंदर बेच सकता है, किसान चाहे तो अपना माल मंडी के बाहर बेच सकता है, किसान चाहे तो किसी ट्रेडर के साथ अपनी फसल के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी फसल बेच सकता है। आज श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और भारत के किसानों को भड़का रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये तीनों बिल क्या कांग्रेस ने प्रस्तावित नहीं किए थे? क्या मनमोहन सिंह की सरकार ने इन बिलों पर विचार नहीं किया था? क्या हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार अमरिंदर सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने क्या जो कमेटी बनी थी उस कमेटी में इन बिलों के पास होने पर मोहर नहीं लगाई थी, तो आज किस मुंह से वो इन बिलों का विरोध कर रहे हैं? वास्तव में सच्चाई ये है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से श्रीमती सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने ये कसम खाई हुई है कि एनडीए सरकार चाहे कितना ही अच्छा काम कर ले, हमने उसके विरोध में खड़ा होना है। श्रमिकों से संबंधित तीन लेबर कोड बिल भारत की संसद में पास किए, हालांकि हमने एक ड्राफ्ट 2019 में भी बनाया था, उसमें प्रावधान था कि जिस फैक्ट्री में 100 लोग काम करते हैं उसमें कुछ चेंजेज होंगी, लेकिन अब हमने उसको बढ़ाकर 100 से 300 कर दिया है। जिस फैक्ट्री में 300 लोग काम करते हैं उस फैक्ट्री में चाहे कोई पक्का एम्प्लॉय है चाहे कोई कच्चा एम्प्लॉय है।